हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर चैप्टर सिक्स अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड एडवरटाइजिंग डेटा वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया कैसे ये मीडिया वर्क करता है क्या क्या इसके फॉर्म्स थे हमने पढ़ा था इसमें इन दैट आई टोल्ड यू अबाउट द वेबसाइट्स स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो चैट रूम्स ईमेल ऑनलाइन कम्यूनिटीज़ वेब एडवरटाइजिंग वर्चुअल रियालिटी एनवास डिजिटल कैमराज इंटरनेट मोबाइल कंप्यूटिंग ईच एंड एवरी थिंग आई टोल्ड यू अबाउट द न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया नाउ वी विल स्टडी अबाउट पब्लिक ओपिनियन कि पब्लिक ओपिनियन क्या है हमारा इन पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन इज़ द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड्स और बिलीव्स हेल्ड बाई द एडल्ट पॉपुलेशन अब पब्लिक ओपिनियन क्या है कि हर कोई इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका क्या बिलीवस uh, है क्या वो uh, उनका जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो uh, इसके बारे में कहते हैं किसके बारे में दे आर वी वी वेर टॉकिंग अबाउट द मीडिया इन अदर वर्ड्स पब्लिक ओपिनियन इज़ द थॉट और बिलीफ ऑफ द जनरल मासिस अब जो पब्लिक ओपिनियन है उनके जो थाट्स हैं वो जो बिलीव्स हैं और जनरल मासिस के मतलब जो uh, इतनी जो मास मास की बात uh, मैंने आपको बताया था दैट इट इट इज़ कॉल द पब्लिक जिसको हम पब्लिक को पब्लिकली हम जिस चीज़ को हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम जो मैसेज हम पूरे पब्लिक को एक साथ पहुँचा सकते हैं दैट कम्स इन टू जनरल मैसेज रिगार्डिंग एनी इशू ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस चाहे वो किसी भी टाइप का इशू हो सकता है कोई भी मान लीजिए कहीं पर कोई घटना घट गई है देन भी हम लोग जो हैं कि अपना जो मै जो मैसेज है वो एक साथ पहुँचा सकते हैं थ्रू टेलीविजन रेडियो इससे यह है कि आपको एकदम से पूरे मैसेज मतलब जितना भी पब्लिक है उसको हम एक साथ उस मैसेज को मैसेज को प्रोवाइड करा सकते हैं सभी को पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी इट इज़ इजेप्ट आइडिया दैट द पब्लिक विच इज कॉल्ड अपॉन टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट द बैलेट बॉक्स मस्ट बी कैप्ट इन फॉर्म ऑफ पॉपुलर इशूज अब हमारी डेमोक्रेसी के अंदर क्या एक आइडिया uh, जो एक्सेप्ट कर लिया गया दैट द पब्लिक विच इज़ कॉल्ड अपॉन टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मतलब कि जैसे कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन वगैरह हैं वो जो पब्लिकली उसको पब्लिक उसको लेती है करती है देट इज़ अगर हम बात करें बैलेट बॉक्स की जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई इलेक्शंस वगैरह लड़े जा रहे हैं और कुछ हो रहा है तो उसको भी हम लोग पब्लिकली कोई इशू इस तरह का क्रिएट हो रहा है कि वहाँ पर कोई जैसे मान लीजिए कहीं पर वोट डाले जा रहे हैं और लोग जाते हैं तो उसको भी हम इस मीडिया के थ्रू हम सबको बता सकते हैं कि कहाँ पर कितने वोट पड़े आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में भी कि आपको रेगुलर uh, अपडेट uh, मिलते रहते हैं उसके बारे में तो वो कहाँ से आपको uh, मिलता है दैट इज़ डन फ्रॉम द न्यूज़ चैनल्स तो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हम पूरा सब जितने भी पब्लिक है उसको हम अपना इंफॉर्मेशन uh, प्रोवाइड कर सकते हैं इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आर गवर्नमेंटल सिस्टम अब ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम का है दैट इज़ पब्लिक पॉलिसीज़ आर डिसाइडेड अपॉन द अपॉन बाय द पीपल अब जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं जो पब्लिकली जो भी पॉलिसीज चाहे वो आप हॉस्पिटल्स एरियाज़ में ले लीजिए चाहे आप कि कोई ऐसी कोई घटना घट रही है कहीं पर कोई ऐसा गलत व्यवहार हो रहा है या कुछ भी आपने देखा होगा न्यूज़ पे आपको हर तरह का अपडेट मिलता रहता है तो ये गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं जो भी आ, जो कि जिनको कि पीपल ही डिसाइड करते हैं द सुपरमेसी ऑफ लॉ मेकिंग बॉडीज़ ओवर एग्जीक्यूटिवस इन द गवर्नमेंट एंड ओवर डोमेस्टिक एंड फॉरन पॉलिसी इज़ अ बेसिक आइडिया इन आर पॉलिटिकल सोसाइटी अब हमारे इसके अंदर अगर गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसीज में अगर आप देखेंगे इनके जो एग्जीक्यूटि जो गवर्नमेंट में होते हैं ओवर डोमेस्टिक एंड फॉरन पॉलिसी और तो हमारे जो डोमेस्टिकली अगर देखें अब फॉरन पॉलिसीज़ में इज़ अ बेसिक आइडिया इन आर पॉलिटिकली सोसाइटी जो कि हमारे बेसिक आइडियाज़ होते हैं इन आर पॉलिटिकल सोसाइटीज़ द पीपल्स आर द सोर्स ऑफ पावर अब आप लोग जानते हैं कि जो पीपल है आम जनता है वो एक मेन पावर में आती है कि आप चाहें तो जैसे आपने देखा कि इलेक्शंस में कि जो आम जो जनता है हमारी जो पीपल्स हैं वो ही अब किसी को चूज़ करते हैं कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या कौन एम एल ए की सीट पर होना चाहिए या कौन uh, हमारा मिनिस्टर uh, में मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन uh, ऐसे लोग होने चाहिए जो कि हमें गवर्न करें सो दैट इट ये जो पावर है वो हमारे मतलब आम जनता की है पीपल्स की है हैस देयर ओपिनियन शुड मोल्ड द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इवन आपने देखा होगा कि जनता अगर कोई भी चाहेगी तो वो गवर्नमेंट का यानी उनका uh, क्या है मत, कि उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो मोल्ड कर सकते हैं मतलब गवर्नमेंट यानी सरकार के अंदर बदलाव तक ला सकते हैं ये देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी जब पार्ट कर जब लोग वोट डालने जाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से लोग एक क्यू में खड़े हो जाते हैं उसके बाद देखें दे आर शोइंग देयर वोटिंग कार्ड्स The success of a government operating under these principles justifies our faith in the people's good judgment. Success of a government operating under these principles means जो कि आ, हम जो सरकार है उसका जो अगर कोई चीज़ का अगर सक्सेस आप मानेंगे तो उसके लिए यह है कि पीपल्स यानी कि जो आम जनता है उसका जो जजमेंट है उन्होंने क्या जज किया है कि कौन उनका गमन करेगा कौन किसके रूल्स रेगुलेशन फ़ॉलो किए जाएंगे ये सब चीज़ भी जनता ही डिसाइड करती है आम जो पीपल्स हैं वही डिसाइड करते हैं वी बिलीव दैट वंस द व्यूज ऑन पब्लिक इशूज़ आर नोन एंड एक्टेड अपॉन अब ये आ, ये लोग हम लोग जो है कि बिलीव करते हैं दैट वंस द व्यू ऑन पब्लिक इशूज़ यानी कि जिनका जो पब्लिकली जो इशूज़ हैं आर नोन एंड एक्टेड अपॉन आर गवर्नमेंट मतलब हमारे सरकार के ऊपर वो वर्क करता है विल बी इम्प्रूव रादर दैन डैमेज और उसको और सुधारा जा सकता है ख़राब होने की अपेक्षा इट इज़ ऑफन सेट दैट only those who distrust the public judgment need to fear an expression of its views यानी कि एक कहा जाता है कि अगर कोई distrust uh, distrust करे public के judgment को तो इसके लिए एक बहुत बड़ी डर सा एक इन लोगों के मन में रहता है एंड एक्सप्रेशन ऑफ इट्स व्यूज़ के उनके जो व्यूज़ हैं अगर उनके उनको नहीं ठीक से जज किया जाए और नहीं उसको मिलता है तो उसमें क्या होता है आपने देखा होगा कि अगर आ, कोई है जैसे कि मान लीजिए हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं कोई जैसा हम अगर हम मैं बात करूँ हम जिसको वोट डालने जाते हैं अगर वो ठीक से हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं मतलब ये काम जनता ही है जो कि उनको उनकी जगह से फिर हटा भी देती है और उसके जगह दूसरे हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं सो so, ये हमारा जो आ, सब कुछ है इसके अंदर हमारी जनता की पावर है जिसके थ्रू हम लोग ये सब वर्क करते हैं और हमारा जो मीडिया है इसको सबको बताता है कि कहाँ पर क्या चीज़ सही हो रही है क्या गलत है ये सब चीज़ हमारे इसके लिए अंदर हमारा जो मीडिया है वो मेन रोल प्ले करता है चाहे आप रेडियोस के थ्रू देखें टेलीविजन्स है इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा इवन होर्डिंग्स भी लगे होते हैं आ, जब आप कभी जा, कहीं जाते हो आपने देखा होगा रास्ते में बहुत सारे होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं इन दैट कि आपने आ, आपको पता चलता होगा उससे कि और आप कई बार ऐसे बुक्स वगैरह या न्यूज़पेपर में आपको आए दिन देखने को मिलता है कि uh, कि कहाँ पर uh, क्या घटना घट रही है क्या हो रहा है कि हमारे देश में क्या चल रहा है या इंटरनेशनल में मतलब कैसे क्या uh, काम हो रहे हैं तो उसके बारे में सब कुछ हमें इन सब चीज़ों के थ्रू पता चलता है इवन आप फ़ोन के थ्रू एकदम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं कोई भी बात अगर आपको किसी को बतानी है दैट uh, ये एक uh, जिसको हम कहते हैं बहुत ही फास्ट है जिसमें कि हमें ये, आ, कोई भी इंफॉर्मेशन हम इजीली दूसरे तक पहुंचा सकते हैं सो दैट बेटर इसके अंदर मैंने आपको इतना ही बताना था इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन इंडियन मीडिया एडवर्टाइजिंग ईच एंड एवरी थिंग वी विल स्टडी अबाउट दैट ओके सो बाय टेक केयर